नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक रोगों से जुड़ी हुई, खानपान से जुड़ी हुई स्वस्थ वर्धक सारी जानकारियां लाते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे शरीर में आध्यात्मिक विचारों का और आध्यात्मिक चीजों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आध्यात्मिक विचार, सात्विक विचार, रज और तम यानी कि लोभ, द्वेष, मोह, इन सबसे हमें दूर तो रखते ही रखते हैं, साथ में हमारे शरीर के अंदर अच्छे हार्मोन्स को बढ़ावा देते हैं, जिससे हम स्वस्थ तो रहते ही रहते हैं और फुल एनर्जी के साथ में अपने जीवन के लक्ष्यों को, अपने निर्धारित जीवन की जो अच्छी शैली है। दोस्तों, आप सबको पता है कि आजकल पंच भीषम चले हुए। क्या होते हैं पंच भीषम और क्या है इनका इतिहास, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय के ऊपर, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ तक अंत तक। दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आइए करते हैं शुरू। दोस्तों, हमारे चिकित्सा केंद्र से कुछ ही दूरी पर हिमाचल प्रदेश की इस देव भूमि में शक्तिपीठ ज्वालामुखी माता जी का मंदिर है, जहां पे प्रसिद्ध मुरली मनोहर जी का मंदिर है। मान्यता के अनुसार मंदिर में दिन रात 101 दीपक पूरे 5 दिन तक जो है वो जलाए जाते हैं, और इन दीपकों के अंदर जितना भी तेल जो होता है, यूज होता है, वो स्थानीय लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। पंच भीषम बनाने के दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, ऐसी मान्यता है कि आज के ही दिन माता तुलसी का विवाह जो है वो मुरली मनोहर जी के साथ में आज के दिन, ये तो एक मान्यता होगी। दूसरी जो मान्यता है उसके अनुसार जब भीष्म पितामह, है ना, हम बात करें महाभारत काल की, तो महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ और युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हो गई तो श्री कृष्ण जी जो थे वो पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए, और भीष्म पितामह उस टाइम जो थे शैया पर, बाणों की जो शैया थी उसके ऊपर लेटे हुए थे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म ने कृष्ण के अनुरोध पर, है ना, तो वहां पे जब वो लेटे हुए थे तो श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से, पितामह से जो है वो अनुरोध किया कि जो है वो आप हमें, मतलब श्री कृष्ण जी को और पांडवों को जो है वो ज्ञान दे। तो पांडवों को जो है इन्हीं 5 दिनों में राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का जो है वो ज्ञान हुआ था। तो ऐसी मान्यता है कि ये जो ज्ञान का क्रम था वो एकादशी से शुरू हुआ और पूर्णिमा तक, यानी कि इन 5 दिनों तक चलता रहा। भीष्म पितामह जी ने जब ये ज्ञान पूरा कर दिया, जब ये पूरा ज्ञान दे दिया, है ना, तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो ये 5 दिन तक ज्ञान दिया है, ये 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो जाएंगे। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक, है ना, या जिसे हम पंच भीष्म या भीष्म पंचक या पंच भिखु के नाम से भी जानते हैं, तो इन नामों से ये जाना जाएगा। तभी से जो है वो हमारे समूचे देश में जो है पंच भीष्म जो है को मनाया जाता है, और इस दौरान जो है उपवास रखा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जिस किसी को पितृदोष है, या कोई मन चाहा वर चाहता है, या कोई मन चाहा सुख चाहता है, सुख शांति चाहता है, परिवार के अंदर क्लेश से दूर रहना चाहता है, तो वो जो है, या किसी की कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए इन 5 दिनों में जो है वो व्रत रखा जाता है, उपवास रखा जाता है, और जो इन पंच भीषम में साधना करता है, उपवास करता है, व्रत करता है, उसकी मनोकामना जो है वो अवश्य पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। तो ये था पंच भीषम के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड और अध्यात्म, है ना, से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है
तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।